नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किस तरह अपने आरओ सिस्टम के मेम्ब्रेन के लाइफ को दुगनी तीन गुनी कर सकते हैं। एक ऐसी तकनीक जो काफ़ी सस्ती है, और इस सस्ती तकनीक के द्वारा आप अपने काफ़ी पैसे जो है बचा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आरओ मेम्ब्रेन की कीमत जो है वो मार्केट में 2500 से लेकर 3000 रुपये तक होती है, और यह आरओ सिस्टम का सबसे महंगा जो है पार्ट होता है। और यदि यह पार्ट ख़राब हो जाए तो हमारी जेब जो है वो ढीली हो जाती है। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह हम यह कर सकते हैं। जैसा कि ज़्यादातर आरओ के इंजीनियर जो है वो आपको यह प्री फिल्टर जो होता है यह लगाने के लिए आपको मना करेंगे। वो आपको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे कि इस आरओ में पहले से ही सेडिमेंट और कार्बन फिल्टर लगे हुए हैं, इसलिए इन फिल्टरों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि यह आरओ फिल्टर में जो लगा हुआ प्री फिल्टर है, यह आरओ मेम्ब्रेन के लिए बहुत ही जीवनदायिनी होती है। इस वीडियो के सेगमेंट में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे दूंगा कि किस तरह यह काम करता है और कैसे यह हमारे मेम्ब्रेन को सुरक्षित रखता है। ये प्री फिल्टर है, और इस प्री फिल्टर का ये हाउसिंग है। इस हाउसिंग के अंदर में कैंडल होता है जिसको स्पन फिल्टर कहते हैं। यह कैंडल आपको कुछ इसमें दिखाई भी दे रहा है क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। एक ओपेक और एक ट्रांसपेरेंट हाउसिंग ले सकते हैं, और इसमें दो फिल्टर की आवश्यकता होगी, दो स्पन फिल्टर। ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, यह काफ़ी सस्ता मिलता है और मार्केट में इसके दाम काफ़ी हाई है। ये प्री फिल्टर क्या करता है, जो पानी हमारे नल से डायरेक्ट पहले प्री फिल्टर में आती है, और यहाँ पे यदि पानी में कोई किसी तरह का कचरा या कीचड़ या किसी तरह का सेडिमेंट यदि पानी में आता है तो वो यहीं पर रुक जाता है, फिल्टर हो जाता है। उसके बाद यह प्री फिल्टर से पहले प्री फिल्टर से सेकेंड प्री फिल्टर में जाती है, और सेकेंड प्री फिल्टर से उसके बाद यह मशीन में इंटर करती है, और जिसके बाद इसमें एडिशनल जो फिल्टर्स हैं वो लगे हुए हैं, और लास्ट में मेम्ब्रेन लगा होता है, और उसके बाद हमें पानी मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि एक फिल्टर से काम चल सकता है तो फिर हमने दो फिल्टर क्यों लगाया हुआ है। ऐसे नॉर्मली आपको एक फिल्टर हर जगह देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से दो फिल्टर लगा दिया जाए तो गलती होने की संभावना बहुत काफ़ी कम हो जाती है। इस फिल्टर की अपनी एक क्षमता होती है गंदगी को रोकने की, उसको फिल्टर करने की अपनी क्षमता है। जब उसकी क्षमता से बाहर हो जाएगा तो तब यह फिल्टर जो है गंदगी को पास करने लगेगा, और वह सेकेंड फिल्टर में जाके चेक हो जाएगा। यदि यह ना रहे तो यह गंदगी सीधे मशीन में चली जाएगी, क्योंकि हमें यह पता नहीं चल पाता है कि कब इस फिल्टर की क्षमता खत्म हो गई है और कब हमें इसे बदलने का समय आ चुका है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट प्री फिल्टर लगाया है, जो इससे पास किया हुआ कोई भी गंदगी इसके कैपेसिटी ख़त्म होने के बाद वह सीधे यहाँ पर चेकआउट हो जाएगी, मशीन तक कभी नहीं पहुँच पाएगी। और यह ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हमें इसके रंग में जो परिवर्तन है वह पता चलते रहेगा। धीरे धीरे ये गहरा भूरे रंग का हो जाएगा, उसके बाद ये काला पड़ने लगेगा। तो
तो जैसे ही इसके रंग में एक बदलाव हमें नज़र आएगा, नज़र आने लगेगा, तभी हम समझ जाएंगे कि इस फिल्टर की क्षमता ख़त्म हो चुकी है और फिल्टर बदलने का वक्त आ गया है। दोस्तों, फिल्टर बदलने में भी एक टेक्निक है। जब इसकी क्षमता ख़त्म हो जाएगी तब हम जो नया एक नया फिल्टर हमें लगेगा, दो फिल्टर है लेकिन हम दोनों को नहीं बदलेंगे, हमें एडिशनली एक ही फिल्टर की ज़रूरत होगी। हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। पहले वाले फिल्टर जो कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, उसका काम ख़त्म हो गया है, उसको हम निकाल के फेंक देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, और दूसरे फिल्टर को निकाल के पहले वाले फिल्टर में प्लेस कर देंगे, क्योंकि इसकी क्षमता ख़त्म नहीं हुई है। ये चेकआउट करने के लिए है और इंडिकेट करने के लिए है कि इसका काम पूरा हो गया है। तो इसको हम इसमें डाल देंगे और एक नया फिल्टर निकाल कर इसमें डाल देंगे, जो पूरी तरह से वाइट इन कलर रहेगा। ये थोड़ा फेड वाइट रहेगा जो इसमें आ जाएगा, और यहाँ पर वो फिर पहले फिल्टर का काम करना शुरू कर देगा। फिर उसी तरह से जब उसकी सफ़ेदी में अंतर आने लगेगा, जब काफ़ी अंतर आने लगेगा, तो हम वैसे ही फिर जो है रोटेट कर देंगे फिल्टर्स को। तो इस तरह से आप काफ़ी पैसे बचा सकते हैं, मेम्ब्रेन तक गंदगी पहुँचेगी ही नहीं। और इस तरह से मैंने ऐसे तो केंट वाले और अदर आरओ कंपनी वाले जो हैं वो दावा करते हैं कि एक साल से दो साल चलता है फिल्टर, और इस टेक्निक की वजह से मैंने 3 साल या उससे अधिक जो है मेम्ब्रेन की लाइफ बढ़ाकर देखी है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह के वीडियोस आपके सामने लाएंगे, जो कि जिसमें कुछ नई बात होगी और नई जानकारियाँ होंगी, और जिससे हम दूसरों के लिए जो है लाभप्रद साबित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।